हेलो चिल्ड्रन, तो आज हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं गैमीट ट्रांसफर से। गैमीटोजेनेसिस चल ही रहा था और उसका एक छोटा पार्ट गैमीट ट्रांसफर भी शुरू कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा बचा था। वो मैं कुछ टर्म्स हैं और स्पेशली एनसीईआरटी में वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो दो टर्म जो मुझे बताने हैं, हाईलाइटेड हैं एनसीईआरटी में, वो हैं स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। क्या है वो? स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। अब स्टैमिनेट और पिस्टिलेट वर्ड किन प्लांट्स के लिए यूज करते हैं ये दोनों टर्म्स? जिनमें मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। आपको वो मेरा निमोनिक याद आया, मेरा भाई उसका दुश्मन। बार बार ये याद करिएगा, मेरा भाई मतलब मोनोएशियस या बायसेक्सुअल एक ही बात है, यूनिसेक्सुअल या डायोएशियस। तो ये दोनों टर्म्स किस पे अप्लाई होते हैं? दोनों पे ही अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन मेनली फॉर यूनिसेक्सुअल या डायोएशियस। कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ, सपोज प्लांट है जिनमें सिर्फ मेल फ्लावर्स ही होते हैं या सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही पाया जाता है। ऑल द फ्लावर्स विल हैव ओनली मेल, ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं स्टैमिनेट। क्या बोलते हैं उसको? क्यों? क्योंकि मेल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में? स्टेमिन। क्या बोलते हैं उसको? स्टेमिन। इसलिए वो फ्लावर क्या हो गया? अब देखो, जैसे फ्लावर ये है, अगर ये ऐसा फ्लावर है स्टैमिनेट, तो उसमें क्या पाया जाएगा? ओनली द स्टेमिन्स। स्टेमिन्स व्हाट? एंथर एंड फिलामेंट। सो ओनली स्टेमिन्स विल बी देयर इन दैट फ्लावर, ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल बी देयर इन द फ्लावर। मेल फ्लावर्स आर कॉल्ड एज स्टैमिनेट, नो फीमेल पार्ट। उसके ऑपोजिट पिस्टिलेट, सपोज प्लांट है उसमें फ्लावर्स लगे हैं एंड दे ऑल आर पिस्टिलेट फ्लावर, मतलब दे आर ऑल फीमेल्स। तो अगर पिस्टिलेट फ्लावर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? उसमें सिर्फ पिस्टिल, एंड व्हाट इज पिस्टिल? मेड अप ऑफ स्टाइल, स्टिग्मा एंड द ओवरी। सो दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। So when only pistil is present in the flower is pistillate. अब अगर unisexual plants हैं, तो एक plant में staminate flower ही होंगे, दूसरे plant में pistillate होंगे। ये rule है, क्योंकि unisexual मतलब एक ही sex वाला plant, या तो male male या female, otherwise also called as dioecious, ठीक है? लेकिन अगर कई, मैंने कुकरबिटा फैमिली की बेलें बताई थी, उसमें मेल फ्लावर भी होते हैं और फीमेल, लेकिन वो अलग अलग लगे रहते हैं। तो यू कैन ड्रॉ, एंड जस्ट सिंबॉलिकली मैं बता रही हूँ, तो उसमें दोनों टाइप के फ्लावर्स होते हैं लेकिन अलग अलग ब्रांच पे। इट हैज पिस्टिलेट फ्लावर एज वेल एज स्टैमिनेट फ्लावर। हम ऐसी बेल को, ऐसे प्लांट को बोलेंगे क्या? बाइसेक्सुअल या मोनोएशियस। एग्जाम्पल मोनो है क्योंकि दोनों हैं एक ही प्लांट में, लेकिन फ्लावर अलग अलग हैं, स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट। कई बार एक ही फ्लावर में दोनों चीजें होती हैं, कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं उसको, और कई बार सिर्फ मेल फ्लावर्स और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स, तो उनके लिए टर्म यूज होता है स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट। इंपॉर्टेंट है टर्म, मीनिंग इंपॉर्टेंट है, क्लियर? सो नाउ गैमीट ट्रांसफर जो होता है, वो मेल और फीमेल गैमीट्स कैसे बनते हैं, मियोसिस कब होता है, मियोसाइट किनको कहते हैं, हम वो सारी चीजें कर चुके हैं। अब गैमीट्स बन गए, मतलब मेल का यूजुअली कॉल्ड एज स्पर्म और एंथीरोजॉइड, फीमेल का गैमीट एग और ओवम, वो बन चुके हैं ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस। जनरली सभी इंडिविजुअल्स में ये स्टेप होता है, उसके बाद बन के काम नहीं चलेगा, उनको दोनों का फ्यूजन होना है, फर्टिलाइजेशन होना है, तो उसके लिए ट्रांसफर बहुत जरूरी है। तो कैटेगरी वाइज मैं आपको बता रही हूं, जैसे इन फंजाई एंड फ्यू एल्गी,
गैमीट्स जो होते हैं उनको ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होती एक दूसरे तक पहुंचने के लिए क्योंकि दे आर मोटाइल, सो बोथ आर मोटाइल. तो उनके मेल गैमीट्स भी मोटाइल हैं और फीमेल, सो मेल भी मोटाइल है और फीमेल गैमीट भी मोटाइल है. तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड फ्यूज. ठीक है, लेकिन और आगे अपन बढ़ेंगे तो कौन सा, मैनी एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनके जो मेल गैमीट्स होते हैं दे आर यूजुअली फ्लैजिलेटेड, एंथीरोजॉइड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं मेल गैमीट्स को? एंथीरोजॉइड्स. अब फ्लैजिलेटेड हैं तो वो मोटाइल तो हैं, दे कैन मूव टुवर्ड्स एग, बट एक मीडियम तो चाहिए क्योंकि क्या, कहां पर है ये? पानी में. सो फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर यूनियन ऑफ गैमीट्स, दीज थ्री ग्रुप्स, मेजर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, दे नीड अ मीडियम एंड दैट स्पेशल मीडियम इज वॉटर. वो मीडियम क्या है? पानी. तो पानी से स्विम करते हुए एंथीरोजॉइड्स मेल गैमीट्स पहुंच जाते हैं फीमेल एग के पास. क्लियर? एक और हायर एंजियोस्पर्म्स यानी सीड प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, उनमें कौन से दो ग्रुप हैं ये? दे आर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ये दोनों ही सीड प्लांट के ग्रुप में आते हैं और इनमें थोड़ा सा गैमीट कैसा है पहले तो देखें कहां प्रोड्यूस हो रहा है. तो मेल गैमीट जो है वो प्रोड्यूस होता है इनमें, मेल गैमीट जो होता है वो देखें कहां प्रोड्यूस हो रहा है. मेल गैमीट इज प्रोड्यूस्ड इन द, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द, मेल गैमीट इज प्रोड्यूस्ड इन पॉलन ग्रेन. किसमें प्रोड्यूस होता है? पॉलन ग्रेन्स में. दोनों ही ग्रुप में मेल गैमीट किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है? पॉलन ग्रेन में. और पॉलन ग्रेन के अंदर स्पोर मदर सेल पाई जाती है. क्या पाई जाती है? इमियोसाइट सेल है. इसकी प्लॉयडी क्या होती है? स्पोर, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल जो पॉलन ग्रेन के अंदर होती है, क्योंकि मैंने बोला मियोसाइट है ये मदर सेल, मियोसाइट, इट विल अंडरगो कौन सा डिवीजन? मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन. और उससे क्या बनेंगे? चार हैप्लॉइड स्पोर्स. तो इन केस में स्पोर मदर सेल को जो मेल वाले गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है वो उस स्पोर्स, मतलब ये जो बनेंगे वो मेल गैमीट्स में टर्न हो जाएंगे एंड दीज स्पोर्स पॉलन ग्रेन्स, एक्चुअली दीज आर पॉलन ग्रेन्स एंड दे विल प्रोड्यूस मेल गैमीट्स. सो ड्यूरिंग दिस मियोसिस प्रोसेस हम इनको क्या बोल सकते हैं? इन स्पोर्स को दे आर माइक्रोस्पोर्स. क्या बोल सकते हैं इनको? जो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे वो क्या कहलाते हैं? माइक्रोस्पोर्स. दे प्रोड्यूस विच गैमीट? मेल गैमीट. और मेल गैमीट्स वो एंजियोस्पर्म का टिपिकल मैं बताऊंगी जब. सो माइक्रोस्पोर विल प्रोड्यूस, दीज स्पोर्स विल प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, इनके अंदर से प्रोड्यूस होंगे मेल गैमीट्स. क्लियर? दिस स्टेप फ्रॉम हियर टू हियर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोर बनने का तरीका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब ये तो मेल की बात हुई, फीमेल में क्या होता है? फीमेल में जो फीमेल के गैमीट्स हैं इन दोनों ग्रुप में वो कैसे प्रोड्यूस होंगे? इन द, ये स्ट्रक्चर आपने 11th में भी करा है, इसको बोलते हैं ओव्यूल. क्या बोलते हैं इसको? ओव्यूल, या ऑल्सो कॉल्ड एज, ये नाम टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगास्पोर्स. क्या बोलते हैं इनको? मेगास्पोर्स, ओव्यूल्स. क्या, और इस जगह पे ये अंदर गोल स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये है एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में प्रोड्यूस होता है एग एंड डिफरेंट सेल्स,
वो सब डिटेल में करेंगे, लेकिन एग यानी फीमेल गैमीट किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इन द ओव्यूल, ऑल्सो कॉल्ड एज ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोर। तो इन दोनों ग्रुप्स में एग दैट इज फीमेल गैमीट इज प्रोड्यूस, एग फीमेल गैमीट इज प्रोड्यूस इनसाइड ओव्यूल और मेगास्पोर्स बाय रिडक्शन डिविजन, एंड मेल गैमीट इज प्रोड्यूस, इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे मेल गैमीट और दैट इज इनसाइड माइक्रोस्पोर। क्लियर है? सो ये हुई सीड प्लांट्स की बात, कौन से दो ग्रुप, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इन एनिमल्स स्पेशली इन हायर एनिमल्स भी मेल गैमीट को, जैसे हमारे केस में स्पर्म होता है और फीमेल के केस में एग होता है, हम लोगों के केस में भी एग मोटा स्पर्म मोटाइल होता है, एग जो है वो सेसाइल है, स्टेबल है, वो नहीं मूव करता। तो स्पर्म को पहुंचाना है एग तक, उसके लिए एनिमल्स में, खासकर हायर एनिमल्स में, उस गैमीट ट्रांसफर के लिए स्पेशल मैकेनिज्म होता है, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, उन ऑर्गन्स को बोलते हैं कॉप्यूलेटरी ऑर्गन्स, विच विल हेल्प इन डिपॉजिटिंग मेल गैमीट स्पर्म्स इन टू नियर द फीमेल गैमीट। वो पहुंचाने के लिए, वो ट्रांसफर के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं इन एनिमल्स, उनको बोलते हैं कॉप्यूलेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द गैमीट ट्रांसफर। क्लियर? इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, सीड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब गैमीट ट्रांसफर के बाद आता है जो स्टेप आता है, वी आर फिनिश्ड विथ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नाउ फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, सिनगैमी। द अदर टर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ टू गैमीट्स, मेल और फीमेल स्पर्म और एग, मेल और फीमेल गैमीट्स का यूनियन इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज सिनगैमी। ओके, दोनों का सिन मतलब मिल जाना, गैमी मतलब गैमीट्स, तो सिनगैमी इज अदरवाइज नथिंग बट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन आगे बढ़ने से पहले दो डायग्राम एनसीईआरटी के, एक भी डायग्राम मैं आप छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको याद दिलाती रहूंगी, क्योंकि वो आप अगर छोड़ देंगे और उसमें से क्वेश्चन आ गया 1 मार्क का, 2 मार्क का, तो मार्क्स बिना बात के कटेंगे। देखिए, एक ऐसा गैमीट बना है और फिर वो इस तरह का स्ट्रक्चर बताया है यूनाइटेड, इसको बोला है जाइगोट। ये मोटाइल गैमीट्स इस टाइप के हैं, दो जुड़ गए, दो मोटाइल गैमीट्स हैं, मे बी एल्गी के हो सकते हैं, फंजाई के, जब वो जुड़ते हैं इस फोर फ्लैजिला वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला है, फ्यूजिंग गैमीट्स या जाइगोट, क्या बोला है, और फिर वो ऐसा स्ट्रक्चर बना है, दैट इज द जाइगोट। ओके, सो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है। एक और स्ट्रक्चर बना है गैमीट ट्रांसफर में, बता रही हूं मैं आपको, एक पॉइंट मिस हो गया था कि जब पॉलन ग्रेन्स बनते हैं सीड प्लांट्स में जिनके अंदर मेल गैमीट्स हैं, तो इन पॉलन ग्रेन्स को फीमेल तक पहुंचना रहता है। तो बहुत सारी हम विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑल द एजेंट्स, कैसे पॉलन ग्रेन्स फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में पहुंचाए जाते हैं गैमीट तक। अब ये तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं ज्यादातर, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म लैंड प्लांट्स, तो मेजर जो एजेंट होता है वो हवा से, कभी इंसेक्ट्स ले जाते हैं, कभी बर्ड्स ले जाते हैं, कभी हनी बी से के थ्रू हो जाता है, तो बहुत सारे एजेंट्स हैं, वी विल बी डूइंग इंडिविजुअली ऑल द एजेंट्स। कभी पानी में पाए जाने वाले एंजियोस्पर्म पानी के थ्रू चले जाते हैं, लेकिन जाता कौन है, मेल गैमीट्स इनसाइड द पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन का फीमेल तक पहुंचने के तरीके को क्या टर्म यूज करते हैं अपन, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट या पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमेंस। कहां प्रोड्यूस हो रहे हैं पॉलन ग्रेन, फ्लावर का कौन सा पार्ट,
फ्रॉम एंथर, यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्रॉम एंथर टू कहां तक जाना, स्टिग्मा तक। ये पार्ट क्या है, रिसेप्टिव पार्ट, स्टिग्मा। इसको क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। फ्रॉम एंथर पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक जाना। और एक डायग्राम दिया है, इट इज नॉट एग्जैक्टली डायग्राम इन एनसीईआरटी, वो एक फोटोग्राफ है, बड़ा क्लियर फोटोग्राफ नहीं है। और वो फोटोग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा स्टिग्मा है और उसके ऊपर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं, मतलब वो पॉलिनेशन वाला। और पॉलन ग्रेन्स में से क्या जर्मिनेट हो गई है, पॉलन ट्यूब। तो ऐसे पॉलन ट्यूब, बहुत ही फाइन पॉलन ट्यूब बहुत सारे दिखेंगे। और ये जर्मिनेट होके पॉलन ट्यूब अपने संग, अब यहां पर है ओव्यूल मतलब एग, तो यहां तक पॉलन ट्यूब से पहुंचाए जाते हैं मेल गैमेट्स। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पॉलन ट्यूब। तो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेट्स को एग तक पहुंचाने के लिए स्टिग्मा पे आने के बाद, पॉलिनेशन के बाद कौन हेल्प कर रहा है, पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। इवन ये वाला डायग्राम को दे हैव डिपिक्टेड एज यूनाइटिंग गैमेट्स को जाइगोट बोला है। दिस इज जाइगोट एंड दीज आर द यूनाइटिंग गैमेट्स। तो ये ध्यान रखना आप कि किसको क्या लेबल करना है। ना जब फर्टिलाइजेशन की बात चल रही है, सिनगैमी मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स, तो सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या एक ही तरीका होता है यूनियन ऑफ गैमेट्स का, तो पता चला कि इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट कौन से, बोनी फिशेस। बोनी फिशेस, एम्फीबियंस जिसमें फ्रॉग वगैरह आते हैं, ये कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, बोनी फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, जिनमें एंड एल्गी प्लांट्स में, जिनमें की यूनियन ऑफ गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स का फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। और किस में होता है वो, आउटसाइड हो रहा है तो हवा में नहीं, किस में हो रहा है, वाटर में, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ऐसे टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जबकि इसके ऑपोजिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस में होता है, ऑल फर्टिलाइजेशन मतलब यूनियन ऑफ गैमेट्स इन ऑल रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द, इन टेरिडोफाइट्स, इन जिम्नोस्पर्म्स, इन एंजियोस्पर्म्स, ऑल दीज प्लांट ग्रुप एनिमल्स, सारे बर्ड्स, सारे रेप्टाइल्स, सारे मैमल्स जो अर्थ पे हैं, इन सब में यूनियन जो होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर। सो फर्टिलाइजेशन अकर फीमेल इनसाइड फीमेल बॉडी। सो ऐसे को क्या बोलते हैं, इंटरनल। मैं आपको दोनों का पहले डिस्क्रिप्शन दूंगी, क्योंकि यहां पर ZZ डाल दें, बना बनाया आंसर भी मिलेगा। ये क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। अब ट्विस्टेड क्वेश्चन इसके ऊपर से कई बनते हैं, वो कैसे बनते हैं वो मैं बताती जाऊंगी करते करते। पहले तो अपन या तो फिर शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल, तो आप वो डिफरेंस से कर ही लेंगे। एक मेजर डिफरेंस क्या है, बॉडी के बाहर होता है यूनि मिलन मेल और फीमेल गैमेट्स का इन वाटर, तो वो एक्सटर्नल कहलाता है। और जब बॉडी के अंदर होता है तो वो क्या कहलाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो भी फीमेल है, अब आप सोचिए
कि फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है मेल फीमेल गैमीट्स का। तो जब फीमेल गैमीट बाहर रिलीज होंगे फीमेल की बॉडी से पानी में, उस तुरंत साइमल्टेनियसली मेल गैमीट्स भी रिलीज होने चाहिए। नहीं तो एक घंटे बाद, एक दिन बाद अगर फीमेल रिलीज करेगा तो आप यू कैन इमेजिन क्या यूनियन होगा, नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। सो उसी वक्त वो टाइमिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए कि फीमेल ने गैमीट बाहर रिलीज किए बॉडी से, तुरंत उसके ऊपर मेल गैमीट रिलीज हो जाना चाहिए। सो बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर रिलीज्ड एट द सेम टाइम, एक ही समय पे रिलीज होते हैं बाहर वाटर, क्लियर। जबकि यहां पर क्या फीमेल गैमीट सेम टाइम पे कोई जरूरत नहीं है, क्यों? ओनली बाहर बॉडी के बाहर क्या रिलीज होता है, ओनली मेल गैमीट्स, और वो बॉडी के बाहर रिलीज नहीं होते, बॉडी से वो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं इनटू फीमेल की बॉडी में। कौन से? सिर्फ मेल, फीमेल गैमीट तो फीमेल की बॉडी में जहां फर्टिलाइजेशन होना है वहां तक ही जाएगा, लेकिन मेल गैमीट जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ओनली मेल गैमीट्स आर ट्रांसफर्ड इन द फीमेल बॉडी, नॉट इन द मीडियम। सो दोनों को एक साथ रिलीज होए, ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट नहीं होता। हाँ, एक साथ मतलब आसपास के दिनों में हो जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वायबिलिटी दोनों ही गैमीट्स की कुछ कम समय के लिए ही रहती है। सो लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे होने के लिए किसमें जरूरी है? इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक और चीज, मीडियम है वाटर। अब पानी में आप गैमीट्स रिलीज कर रही हैं, फिशेज हैं, बोनी फिशेज हैं, या एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग वगैरह हैं, टोड हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आधे तो बह जाते हैं, आधों को प्रिडेटर्स खा जाते हैं, अंडे हैं प्रोटीन से खा जाएंगे, या फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स हैं वो खा जाएंगे, तो बहुत ज्यादा इनमें से जो है वो तो नष्ट हो जाते हैं, क्यों? बर्बाद हो जाते हैं। सो वल्नरेबल टू प्रिडेटर्स, प्रिडेटर्स शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। और क्योंकि अच्छा प्रिडेटर्स से वल्नरेबल है, क्या ये बात इंटरनल वालों के पे लागू होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये अंदर ही डिपॉजिट हो रहे हैं तो प्रिडेटर्स का चांस तो है ही नहीं, तो दे आर दिस टाइप इज श्योरर मेथड, मतलब जो लॉस है उसके चांसेस लेस हैं, ठीक है ना, लॉस के चांसेस लेस हैं। यहां तो बहुत सारे गैमीट्स उनका लॉस हो जाता है क्योंकि वो एक्सटर्नल वाटर मीडियम। एक और चीज, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, क्यों, क्या जरूरत है? इतनी बर्बादी पानी में होती है, अगर आप सोचिए फीमेल 10 मेल 10 तो वैसे ही वो खराब हो जाएंगे, चांसेस बिल्कुल निल हो जाएंगे कि फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन इंश्योर करने के लिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल्स जो हैं वो लार्ज नंबर में गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं कि अगर कोई लॉस भी हो गया तो एटलीस्ट कुछ तो फर्टिलाइज हो जाएं। सो दे प्रोड्यूस देयर बोथ द गैमीट्स इन लार्ज नंबर बोथ। जबकि इधर ओनली कौन से गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर? मेल, ठीक है। वाई क्योंकि ट्रैवल किसको करना है? मेल गैमीट्स को। तो इधर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ओनली मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर।
बिकॉज उनके ही चांसेस हैं कि वो थोड़े बहुत डिस्ट्रॉय हो जाएं ड्यूरिंग द जर्नी टुवर्ड्स द एग ड्यूरिंग डिपोजिशन इन द फीमेल बॉडी. बट नो, फीमेल गैमिट्स का नंबर ज्यादा होने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ व्हाट इंटरनल फर्टिलाइजेशन. क्लियर है? और ये जो मेथड है इट इज नॉट 100% श्योर मेथड. क्यों? क्योंकि जो यंग वंस आर नॉट केयर्ड फ्रॉम बिगिनिंग. यंग वंस आर नॉट केयर्ड फ्रॉम बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से ही यंग वंस को पेरेंटल केयर नहीं मिलती. पानी में छोड़ दिए गए हैं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग. दे आर नॉट गिवन पेरेंटल केयर. वो अपने रहमो करम पे जीते हैं. कहीं भी चले जाते हैं पानी में कोई भी प्रिडेटर उनको अटैक कर सकता है. तो बड़े होने तक अप टिल अडल्टहुड वेरी फ्यू नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट बड़े होने तक इस केस में. सो परसेंटेज इज सर्वाइवल रेट इज वेरी लो इन एक्सटर्नल फर्टिलाइज. दैट इज वाई दे आर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ गैमिट्स. ये क्वेश्चन आता है वाई एनिमल्स विच परफॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गैमिट्स. उसका रीजन ही यही है. बट इधर क्या है? राइट फ्रॉम द बिगनिंग पेरेंटल केयर टू यंग वन इज देयर. सो पेरेंटल केयर गिवन टू डिवेलपिंग एम्ब्रियो. सो ये श्योरर मेथड है. क्लियर? विद एग्जाम्पल. अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आया विद एग्जाम्पल लिखेंगे. ये आता है इस चैप्टर में से डिफरेंस बिटवीन एंड यू नो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. किस ध्यान रखिएगा बोनी फिशेज में एक्सटर्नल होता है वाटर में. एम्फीबियंस में वाटर में बाहर होता है. ठीक है? बाकी के रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स सब में फर्टिलाइजेशन इज इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. क्लियर है? सो दिस वॉज द अबाउट द फर्टिलाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स. नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं. दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. कौन से चेंजेस? दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो है उसमें दो स्टेप्स हैं, जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस. और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और हर क्लास में मैं कोई एक मजेदार बात रिलेटेड विद योर चैप्टर, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहता है, वो बताऊंगी. सो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फर्टिलाइजेशन में ही आता है वो मैं बताने जा रही हूं. दैट इज पार्थिनोजेनेसिस अदरवाइज नोन एज वर्जिन बर्थ. पहले तो जेड जबरदस्त जरूरी, चाहे वो नीट हो. सुन लीजिए और चेक कर लीजिएगा पिछले पेपर्स, एक साल भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन छूटा नहीं है. चाहे वो आपका 12th का सब्जेक्टिव एग्जाम थ्योरी एग्जाम हो, कुछ ना कुछ फॉर्म में 1 mark 2 mark एनी टाइप में ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है. सो एक एक बात ध्यान से सुन लीजिए. आज ही समझ लीजिए पार्थिनोजेनेसिस क्या है. क्या बोलते हैं इसको अदरवाइज? वर्जिन बर्थ. क्यों बोलते हैं? मैं इसकी डेफिनेशन से ही चालू करती हूं. डिवेलपमेंट ऑफ एन एग इनटू
अ कंप्लीट कंप्लीट इंडिविजुअल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, विदाउट फर्टिलाइजेशन। पूरी कहानी इन दो वर्ड्स में ही है, पार्थिनोजेनेसिस की। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस, वर्जिन बर्थ इसलिए बोलते हैं कि एक किसी भी सपोज एनिमल का एग है, ठीक है, एग को स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। हम तो यही पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, एक गैमीट एग है, मेल गैमीट आएगा, उसको फर्टिलाइज करेगा और उससे आगे का इंडिविजुअल जायगोट बनेगा और इंडिविजुअल बनेगा। पर एग है, उसको मेल गैमीट ने फर्टिलाइज ही नहीं करा है, फिर भी वो एग पूरा एक कंप्लीट अपने जैसा इंडिविजुअल बना रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मीटिंग ऑफ गैमीट्स। एग इज फॉर्मिंग, एबल टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। और ये सबसे पहली बार देखा था 1745 में चार्ल्स बॉनेट, ही ऑब्जर्व्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। किस में? एनिमल्स में। कौन से एनिमल में? एफिड्स। कौन से एफिड्स? हैव यू हर्ड ऑफ एफिड्स? एफिड्स बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, आर्थ्रोपोड के मेंबर हैं, माइन्यूट। और अगर आपको एफिड्स देखना हो ना, तो यू नो शू फ्लावर का प्लांट, शू फ्लावर में एफिड्स या दूसरे फ्लावरिंग प्लांट्स में छोटे 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 ब्लैक ब्लैक या वाइट वाइट कीड़े लगते हैं फ्लावर के आसपास, और वो उसका सैप फ्लोएम का रस चूसते हैं, वो एफिड्स होते हैं। उनमें पहली बार चार्ल्स बॉनेट ने ये फिनोमेना देखा था। उसके बाद ये जो नाम है पार्थिनोजेनेसिस, ये कुछ समय बाद यानी 1848 में रिचर्ड ओवन ने दिया था। सो द नेम पार्थिनोजेनेसिस फॉर दिस फिनोमेना वॉज गिवन बाय रिचर्ड ओवन, बट दिस फिनोमेना वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन एनिमल्स, इन एफिड्स। जब उन्होंने देखा कि एफिड्स, कुछ एफिड्स जो हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो इस तरीके से ये पार्थिनोजेनेसिस का पता चला। और फिर उसके आगे बहुत स्टडी की, क्या कोई और एनिमल्स भी पार्थिनोजेनेसिस शो करते हैं? तो देर आर लॉट ऑफ एनिमल्स विच शो दिस फिनोमेना। तो हम पूरा देखते हैं, जैसे इन वर्टिब्रेट्स में जो पार्थिनोजेनेसिस शो करते हैं, इन रोटिफर्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हील एनिमल। क्या बोलते हैं इनको? व्हील एनिमल, रोटिफर्स में देखा गया। देन इन आर्थ्रोपोड्स लाइक, आर्थ्रोपोड्स में भी इंसेक्ट्स बता रही हूं आपको, इंसेक्ट्स कौन से, एफिड्स, हनी बी, वॉस्प, देन एंट्स, एंट्स, गॉल फ्लाई, ये सब में देखा जाता है कॉमनली। देन आर्थ्रोपोड का एक और रूप है, दैट इज क्रस्टेशियंस, उसमें क्रस्टेशियंस में डैफनिया, वाटर फ्ली जिसको कहते हैं साइपिस, ये क्रस्टेशियंस में। देन आर्थ्रोपोड्स में एक और ग्रुप आता है अरैकनिड्स, और अरैकनिड्स में आते हैं स्पाइडर, माइट्स, टिक्स, ये जितने हैं ये सब आर्थ्रोपोड के इतने सारे मेंबर हैं विच शो पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। देन आप वर्टिब्रेट्स पे आएंगे, वर्टिब्रेट्स, एंड वर्टिब्रेट्स में जो दिखता है वो लिजर्ड्स हैं। कौन सी लिजर्ड्स? लेसर्टा, सेक्सिकोला,
लेसर्टा सेक्स, इसको कॉमनली बोलते हैं कॉकेशियन रॉक लिजर्ड। ठीक है, आर मेनिए का पूरा नाम। एक और वर्टिब्रेट टिफलीना, टिफलीना ब्रामीना, ये लिटिल स्नेक ऑफ इंडिया की नाम से जाना जाता है, लिटिल स्नेक ऑफ इंडिया। सो इसमें भी वर्टिब्रेट, वन मोर वर्टिब्रेट आई एम राइटिंग, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, आई हैव गिवन जूलॉजिकल नेम ऑल्सो, लेसर्टा सेक्सिकोला आर्मेनिया का इज कॉकेशियन रॉक लिजर्ड, देन टिफलीना ब्रामीना इज स्मॉल स्नेक ऑफ इंडिया, वन मोर लिजर्ड दैट इज सी साइलेंट नेमिडिफोरस, इट इज विप टेल लिजर्ड, विप टेल लिजर्ड ऑफ अमेरिका। ये सब लिजर्ड्स में क्या पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट ग्रुप में आ रहे हैं। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में ये वर्टिब्रेट का डायग्राम दिया है, इट्स अ बर्ड, बर्ड कौन सी, टर्की, कौन सी बर्ड में पाया जाता है, टर्कीज में पाया जाता है। ठीक है, इट्स अ बर्ड जिसमें वर्टिब्रेट में आएगी। तो ये सब फ्यू एग्जाम्पल्स वेयर दिस फिनोमेना इज शोन। अब ये जो फिनोमेना है इन सब में वो दो तरीकों से हो सकता है, एक्चुअल में तीन तरीके हो सकते हैं, कौन से, पहला तरीका इज नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, मतलब ऑर्गेनिज्म में नेचुरली ये मेथड डेवलप्ड है, पार्थिनोजेनेसिस। नेचुरल जो है वो कितने टाइप का है, तो पहला टाइप नेचुरल में है, दैट इज ऑब्लीगेटरी, क्या है, ऑब्लीगेटरी मेथड एंड ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्लीट, ऑब्लीगेटरी और कंप्लीट। मतलब यहां पर इस मेथड से अगर कोई ऑर्गेनिज्म पार्थिनोजेनेसिस कर रहा है तो उसकी बॉडी में कोई और दूसरा मेथड ही नहीं है रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका एब्सेंट है, नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल्स हैं इस टाइप के पार्थिनोजेनेसिस करने वाले एनिमल्स की, दे विल प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस एग, an egg will turn into another female. ठीक है, when the individuals are produced from either female or male, but in this case especially female, when produces the young ones only by the method of parthenogenesis. ठीक है, और ये जो कंप्लीट या ऑब्लिगेटरी टाइप का मिलता है वो मिलता है एफिड्स में। किस में मिलता है, एफिड्स में कंप्लीट या ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस देखा जाता है, जहां फीमेल्स विल प्रोड्यूस ओनली फीमेल्स बाय पार्थिनोजेनेसिस, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड ही नहीं पाया जाता। क्लियर है, और इसके अलावा मैं कुछ एग्जांपल्स ऑब्लिगेटरी के लिख देती हूं, रोटिफर्स, देन दिस वन ऑब्लिगेटरी, लेसर्टा सेक्सिकोला, टिफलीना, ये सब किस टाइप का शो करते हैं, ऑब्लिगेटरी या कंप्लीट। एफिड्स में मैं आपको आगे और डिटेल बताऊंगी, अब इसमें एफिड्स मत रखिए, आप रोटिफर्स रखिए, लेसर्टा सेक्सिकोला रखिए, और ये
ये सिर्फ फीमेल ही प्रोड्यूस करती है, मतलब इनकी पॉपुलेशन में जो इस टाइप का पार्थिनोजेनेसिस होता है उनकी बॉडी में ऑब्लिगेटरी, वो सिर्फ फीमेल्स ही पाई जाती है, नो मेल्स. क्या नहीं होते इसमें? नो मेल्स फाउंड. क्लियर है? तो पहला नेचुरल का कौन सा टाइप है? ऑब्लिगेटरी या कंप्लीट. इसके ऑपोजिट दूसरा है साइक्लिक या इनकम्प्लीट. साइक्लिक दूसरा टाइप इज और इनकम्प्लीट. मतलब इसमें जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, यूनियन हो पार्थिनोजेनेसिस मतलब नोन, एग से जो कभी तो जो एग है उससे पार्थिनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होंगे कुछ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन के, और कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, जरूरी नहीं है कि इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट इसलिए बोला है क्योंकि कुछ समय तो पार्थिनोजेनेटिकली इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे इसके मेंबर्स, और कुछ कभी दे विल प्रोड्यूस सेक्सुअली मेंबर्स. तो दोनों टाइप से प्रोड्यूस करेंगे इंडिविजुअल्स, तो दैट इज इनकम्प्लीट और साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस. और इनकम्प्लीट के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ, एंड वो एक एग्जाम्पल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आगे भी आता है इनकम्प्लीट और साइक्लिक में, उसका मैं डिटेल बताती हूँ. एंड दैट इज हनी बी. और भी हैं लेकिन हनी बी को मैं बहुत अच्छे समझाती हूँ, उस पर क्वेश्चन आता है. इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, हनी बी की कहानी बहुत अच्छे से सुनना. मैं हमेशा बताती हूँ, हनी बी की फैमिली, मधुमक्खी का छत्ता आप सबने देखा, यू ऑल हैव सीन, मालूम भी है, उनकी जॉइंट फैमिली है. यू नो छत्ते में सारी मेंबर्स एक साथ रहते हैं. क्लियर? एक छत्ते में मे बी 2000 हनी बी, 2000 3000 हनी बी रह सकती हैं एक हनी कोम में. अब उस पूरे जॉइंट फैमिली में हनी बी की पॉपुलेशन में तीन मेंबर्स दिखेंगे आपको, तीन टाइप के. कौन से? एक तो मिलेंगी कौन? क्वीन. ठीक है, कौन मिलेंगी? रानी मधुमक्खी. ठीक है, विथ वेरी बिग एब्डोमेन, क्योंकि उसमें क्या भरे हुए हैं? अंडे. सो ये कौन है? क्वीन, रानी. एक छत्ते में, और क्वीन बोल रही हूं तो वो फीमेल ही होगी. हर मधुमक्खी के छत्ते में, हनी कोम में, सिंगल क्वीन इज देयर, ओनली एक फीमेल क्वीन एक ही है. ठीक है, दूसरे मेंबर, हजारों बाकी की मधुमक्खियां जो हैं वो होंगी फीमेल. कैसी होंगी? सेक्स क्या होगा उनका? फीमेल. एब्डोमेन बड़ा नहीं होगा बहुत, फीमेल मधुमक्खियां होंगी. लेकिन देख रहे हैं आप, डंक देख रहे हैं, खूंखार दिख रही हैं. क्यों? बहुत खूंखार टाइप की होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ अंडे नहीं देती, तो दे आर इनफर्टाइल. जो अंडे नहीं देता उसको क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल. फीमेल है, अंडे नहीं देंगी. नंबर कितना है? रानी सिर्फ एक है. ये कितनी है? 1000. बाकी की मेजर यही होती हैं, इनको बोलते हैं, ये वाली जो होती हैं इनको बोलते हैं वर्कर. काम करने के लिए होती है बस, ये रानी की सेवा, रानी को पंखा जलना, रानी को खाना देना, रानी को पानी लाना. रानी हिलती नहीं है मधुमक्खी का छत्ते में. रानी सबसे अंदर के स्पेशल रूम में रहती है, वो कभी नहीं उड़ती. एक बार जो अंदर आ गई वो छत्ते में से बाहर नहीं निकलती. उसका काम सिर्फ अंडे देने का है. उसकी सेवा कौन करते हैं? वर्कर्स. और इसलिए मैंने वर्कर खूंखार बनाए, क्योंकि वर्कर के होते हैं डंक, स्टिंग, काटते, जो इतनी काटती है ना वो सब ये हैं. क्योंकि वो सोल्जर भी हैं, वो काम करने वाली भी हैं, वो सफाई करने वाली भी हैं, छोटे बच्चों को खाना देने की नर्सिंग क्या भी काम करती हैं. सारे काम वो हजार के करीब वर्कर्स करती हैं. जो उड़ती दिखती हैं ना वो सब क्या होती हैं? वर्कर्स होती हैं. और तीसरे मेंबर 100 के करीब होते हैं, वो हैं
मेल्स, दो फीमेल हो गई है वो मेल है, ठीक है। और उन मेल्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन मेल्स को, ड्रोन, क्या बोलते हैं उनको, ड्रोन्स, क्या बोलते हैं, मेल, क्या बोलते हैं, ड्रोन, दे आर फर्टाइल, मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग स्पर्म। तो ये इनफर्टाइल फीमेल, ये फर्टाइल, अंडे दे रही है और क्वीन। तो अभी आगे की कहानी कंटिन्यू रखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन तीन मेंबर्स हनी बी की पॉपुलेशन में, पूरे छत्ते में, वन इज क्वीन, सिंगल ही रहती है अंडे देने वाली, फर्टाइल फीमेल, लॉट ऑफ वर्कर्स फीमेल बट इनफर्टाइल, 100 के करीब मेल्स कॉल्ड एज ड्रोन्स बट दे आर फर्टाइल, दे विल बी प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ द हनी बी फैमिली। पार्थिनोजेनेसिस का और कंटिन्यू करेंगे अभी डिटेल, आई विल बी गिविंग यू डिटेल, चाहे वो नीट में आए, चाहे एम्स में आए, चाहे कहीं आए, आप सब लोग उसको चुटकियों में कर सकते हैं। क्लियर? सो वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।